मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। दो दिन पहले अमृतनगर दरगाह रोड पे एक हादसा पेश आया था, जिसमें चिराग मेंशन नामी इमारत की 5वीं मंजिल से कुत्ता नीचे गिर गया और उसकी चपेट में एक 3 साल की बच्ची सना बानो आ गई थी, जिसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन ने ADR दर्ज किया था। वहीं पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे और उन्होंने उसको सहानुभूति दी थी, जिसके बाद रात में परिवार के लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और FIR दर्ज करने को कहा, जिसको लेकर मामला कुछ देर तक रुका रहा, क्योंकि जिसके खिलाफ FIR दर्ज की जानी थी वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी मामले को देखते हुए रात में ही स्थानीय विधायक जितेंद्र अवार्ड मुमरा पहुंचे, सीनियर PI अनिल शिंदे से मुलाकात की और मामला दर्ज करने को कहा, जिसके बाद अवैध तरीके से 5वीं मंजिल पे पालतू कुत्तों को पाल रहे जोहर सैयद के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की। इस मामले को लेकर जितेंद्र अवार्ड ने क्या कुछ कहा मीडिया को, वहीं पर इस मामले को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अनिल शिंदे ने भी मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। गिरना नहीं, फेंका गया। ऐसा है कि वो जो फैमिली है वो उधर के समझा जाता है कि वो जरा भाई लोग हैं, तो बेचारी औरतें डर रही थी कि एक बच्ची चली गई और घर में कुछ हो ना जाए, लेकिन समझा बुझाकर सब घर वालों ने तय कर लिया कि कंप्लेन तो करना चाहिए, अन्याय हुआ है अपने पे। जो वो पुलिस स्टेशन आई तो बहुत सारे नेता लोग मुमरा के आए, हम लोगों ने उनकी तरफ से चमचेगिरी की और केस ढीला ढाला कर दिया। जब मेरे को यहाँ से फ़ोन आया कि साहब वो 306/4A ले रहे हैं, तब मेरे को अभी 3 बुखार था जब मैं आया यहाँ पे, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं निकल के उठ के यहाँ पे आ गया और अभी जो कोर्स केस हमें करनी थी वो केस हमने कर दी। ये पुलिस की नाकामियाँ भी है, वो पुलिस हल्के से लेती है और जिनका वशीला होता है मुमरा पुलिस स्टेशन में वो मंगता है वो केस करके लेता है, तब वो कुछ सोचते नहीं, कोई भी कलम लेता है ले लेते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं और जब उनको फ़ोन करो तो बोलते हैं अरे FIR तो लेना पड़ता है ना, सब मालूम है, तो आप चलाओ ना न्यूज़, मेरे मुँह से क्यों निकलते हो, मैं क्या बोलूँ आपको, सब मालूम है, भाई थे सब, 4-5 भाई है, उनके संबंध किस के साथ थे, कौन कौन आया था पुलिस स्टेशन में दबाव डालने के लिए, आपको सब मालूम है ना, अंदर कौन गया बाहर कौन गया, ऐसा है जो वहाँ खड़ा था उसको सब मालूम है ना कौन कौन थे, तो जो आंखों देख के हाल बताता है उसका ही FIR लेना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पुलिस जा नहीं सकती, धाराएँ बड़ी नहीं, धाराएँ में जो एक कमकुवत करने की कोशिश की गई थी उसको हमने निकाल डाला, अब धारा ठीक है और जो नाम हमको चाहिए था छोटा भाई जिसने सब किया था उसका नाम हमने डलवा दिया। मुमरा में आम सरेआम मिलती होगी, धमकी मिली उनको, देख लेंगे बता देंगे। बताया कि कितने लोगों पे FIR हुआ है, वो समझ में आना चाहिए, नाम कितने, 3-4 है कुछ, 3-4 मुझे नहीं मालूम इतना, मैं हालांकि मैं मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है इसमें, पर ये जब मुझे बात समझ में आई कि कोई उनको न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, प्रेशर आ रहा है, नाम डाले हुए नाम निकाले जा रहे हैं, सब प्रेशर है। अबे आजकल था मुमरा में बहुत ज़्यादा नेता हो गए ना, ज़्यादा नेता हुए तो बारिश बहुत गिरती है। जो ADR दाखिल हुआ था उसके ऊपर से हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें अभी भारतीय न्याय संहिता का कलम 105 और 291 ये हमने इसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया है। वो जो लड़का है जाहिर इस्माइल सैयद, 24 साल का लड़का है, वो पालतू कुत्ता था और वो उसको उसने यानी बांधा था वहाँ पे, तो वो बेल्ट गर्दन से निकालते इसमें करते हुए वो गिर गया नीचे, तो उसकी वजह से वो बच्ची के ऊपर गिरने के बाद जो जख्मी हो गई थी वो लड़की, तो उसमें उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसको हमने अभी अरेस्ट किया है।
सर हाँ परियार वालों को बुलाते किया है नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं अभी तक, मगर वहाँ पे और भी जो स्ट्रीट डॉग है वो कुत्ते के साथ खेलने को वहाँ पे ऊपर जाते हैं।